माध्यम से आठ अलग अलग आयाम की इसमें कल्पना और यम नियम से लगा करके ध्यान धारणा समाधि तक हम मानते हैं कि ये हमारी संपूर्ण पद्धति ये अपने आप में इस न केवल इस जीवन को बल्कि ये हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन की मुक्ति तक की इस यात्रा में हमको कहीं ना कहीं मदद करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि योग के खासकर इस योग के मतलब योगी का मतलब ही जुड़ाव है। योग मतलब मन और आत्मा का जुड़ाव, जुड़ाव आत्मा का चेतना से, सार्वभौमिकता से, जुड़ाव खान पान से, दिनचर्या से, रहन सहन से, आचार विचार से। योग अपने आप में एक संपूर्ण हमारे लिए दिनचर्या है। मैं उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले समय से योग आयोग का गठन किया, योग के संबंध में हमने काफ़ी ज़्यादा एक आनंद विभाग तक की अपनी मंत्रालय की हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा की गई थी, हमने भी प्रयास किया है कि इस आनंद विभाग के काम को और बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आयुर्वेद की दृष्टि से भी हमारी सरकार बनने के बाद आयुर्वेद को लेकर के 11 नवीन आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रदेश में खोलने का पहली बार ये इतने बड़े स्तर पर पूरे देश का निर्णय रहा है कि 11 मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे द्वारा खोले जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो हमारी अपनी वन संपदा क्षेत्र की विशेषता और खास करके आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका बड़े पैमाने पर आए। इसी के साथ साथ कोदो कुटकी, आपकी जानकारी में हमारी सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने हमारी पहली कैबिनेट भी जबलपुर में रानी दुर्गावती के माध्यम से, रानी अवंतीबाई के नाम से हमने कैबिनेट की थी, और इसी कैबिनेट में हमने कोदो कुटकी के ऊपर भी 1,000 रुपये प्रति क्विंटल का अलग से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। अर्थात ये जो हमारा अपना एक तरह से ये हमारी पुरानी प्राचीन फसल भी है, लेकिन इसको प्रोत्साहन की शासन की आवश्यकता दृष्टि से इसलिए इसको प्रोत्साहन किया है। परसों ही कैबिनेट में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 14 प्रकार की फसलों को खरीफ की फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि MSP बढ़ाने का निर्णय किया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी हमारे लिए खास करके मक्का, बाजरा, ज्वार इस सब को प्रोत्साहन देने के लिए MSP में पर्याप्त रूप से वृद्धि की है। खास करके योग के मामले में योग को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। योग के शिक्षकों को हमारे अपने विद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग में अब उनको बाकी प्राध्यापकों के बराबर का दर्जा देने का प्रयास किया। ये हमारी योग के प्रति हमारी मान्य